देखिए इसका कॉमन नेम होता है एसिटामाइड और आईयूपीएसी नेम होता है इथेनामाइड, और इससे हमें ऑप्टेन करना है मिथाइल एमीन को, तो हमें क्या करना होगा, तो देखिए हमने यहाँ पे लिया Br2+KOH, आप चाहो तो यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो। अब किस तरह से याद रखना है, देखो 2 और 2 कितने 4 है, तो यहाँ पर आएगा 4KOH। अब किस तरह से आपको प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे उसको ध्यान समझो, ये है Br2 और यहाँ पर है 4K, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बनेगा 2KBr, ध्यान से समझो, यहाँ पर है आपके पास 4OH, तो इसका मतलब यहाँ बनेगा 2H2O, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचे आपके पास 2K बचा और यहाँ पर बचे आपके पास 2 ऑक्सीजन, क्लियर। अब देखो क्या करना है आपको, ये CO को यहाँ से लिया है, CO को लिया होगे और इन सबको मिला दो आपस में, तो क्या बनेगा, देखो K2, क्लियर, ये कौन है C, अब कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन ये है और 1 ये है, तो बन जाएगा क्या, K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट, तो यहां पर बनेगा K2CO3। अब क्या बचा, अब देखो यहां बचा CH3, CO तो चला गया, बचा कौन, NH2, क्लियर। और यही क्या होता है आपका प्रोडक्ट, इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल एमीन और आईयूपीएसी नेम होता है मिथिनामीन।